हूं अमित कर्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो आज की तारीख के एक्चुअल रॉकिंग पैन इंडियन स्टार हैं यश, और इनकी फिल्म केजीएफ का इंतजार हर सिनेमा प्रेमी को है। आपका बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर। थैंक यू। आपकी लाइफ जो मतलब रियल लाइफ है उसमें जो एक फिल्म आई थी विल स्मिथ की परसुएट ऑफ हैप्पीनेस, उसकी झलक है। तो मैं फिल्म पे बाद में आ रहा हूँ, पहले ये जानना चाहूँगा कि अगर आपकी बायोपिक बने तो कौन स्टार आपकी नज़र में हिंदी से है जो वो कर सकता है बायोपिक यश की? पहली बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं किया हूँ मैं जो बायोपिक बन सके। सो सेकेंड एंड आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड आई शुड से, सो उसमें वो सवाल ही नहीं उठता है कौन करे। आई थिंक मेरा थोड़ा जिंदगी में स्ट्रगल रहा है, बट दैट नेवर लुक लाइक अ स्ट्रगल, वैसा नहीं लगा मुझे, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। मतलब जो बायोपिक ये वो, सो यू हैव टू लीड अ लाइफ, यू शुड सी लॉट ऑफ, बहुत सारे जिंदगी को जीना है पहला, मतलब जिस तरीके से आप जिएंगे सब देखेंगे जिंदगी में, बाद में सोच सकते हैं कि हर एक आदमी का एक स्टोरी होता है, आपका भी होता है, अगर आप इधर बैठे हैं तो उसका भी एक स्टोरी होता है। दैट आल्सो कैन बी डन इफ दैट स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। ये अभी साइड में रख देते हैं। ओके ग्रेट। ये जो फिल्म है, फ्रेंचाइजी है, केजीएफ है, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, एक सागा है, इसे हम चैप्टर नहीं कह सकते। तो हम कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तो उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, इट्स अबाउट डायरेक्टर्स, ये उनके दिमाग में क्या है, बट या व्हेन वी स्टार्टेड दिस इज द स्टोरी, इतना ही हमने किया है और वो स्टोरी बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसका डायमेंशंस इतना है ना स्क्रिप्ट का और इस कैरेक्टर का, यू कैन डू मेनी मोर दिस थिंग्स, नॉट जस्ट माई कैरेक्टर, दिस वर्ल्ड ऑफ केजीएफ इज बिगर देन अपना, वो दुनिया बहुत अच्छा है। सो ऑफकोर्स देर आर सो मेनी वेज वी कैन ब्रिंग इट आउट, लेट्स सी, अभी उसके बारे में हम सोचा भी नहीं। ओके, मतलब अभी इमीडिएट अनाउंसमेंट हम लोग नहीं बोल सकते कि केजीएफ 3 या केजीएफ 4 ऐसा नहीं है, बट वेट एंड वॉच ना, अभी रिलीज हो जाएगा, बाद में आप ही बताइए मुझे क्या होगा, कैसे होगा सब। डेफिनेटली। और मतलब बिसाइड्स एक्टिंग, मतलब केजीएफ के साथ अगर मैं कहूँ कि एक लंबा वक्त आपने दिया शूट पे, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप इन्वॉल्व रहते थे? जैसे यहाँ पर ऋतिक हैं तो वो एडिटिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं, आमिर हैं तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहते हैं, यश? मैं हर एक चीज में इन्वॉल्व होता हूँ, मतलब आई एंजॉय दिस प्रोफेशन सो मच, इट्स लाइक मैं थिएटर से आया हूँ, थिएटर में मेरा इनिशियल डेज रहा, तो मुझे थिएटर ने एक बात सिखाई, सो एक्टर का काम लास्ट आता है मेरे दिमाग, मतलब जो भी है साथ में मिलके करेंगे तो बेटर आउटपुट आएगा। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं, कोई फील्ड नहीं होता, कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है कि सिर्फ एक्टर्स ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। सबका मिशन एक होता है, ऑडियंस को एंटरटेन करना, बस। सो सिनेमा ऑल्सो आई ट्रीट इट द सेम वे, बट आई गेट इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट प्रोसेस बिगिनिंग से, डायरेक्टर के साथ मैं बैठता हूँ और फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर्स विजन, उनका दिमाग में क्या है, वो सोचे बिना हम अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मैं हमेशा जब डायलॉग बोलता हूँ ना तब से शुरू होती है, आई डोंट थिंक, मैं वैसा सोचता ही नहीं कि ये डायलॉग कैसे बोले, किस तरीके से बोले, आई ऑलवेज मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि इस डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जब डायलॉग राइटर ने लिखा होता है और डायरेक्टर ने वो सीन लिखा होता है, उसमें एक इंटेंशन होती है, ऑडियंस को इस इमोशन पे लेके जाए और ऐसे मोड पे लेके आए, उसलिए ये बात यूज करते हैं, ये बात करता है हीरो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक बार आप वो जान लेंगे ना तो हज़ार तरीके से आप बोल सकते हैं डायलॉग। सो इट्स अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग दैट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डायरेक्टर एंड हिज विजन फॉर द सिनेमा, एंड देन ब्रिंगिंग इन योर, आपका जो टच होता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम, आपका परफॉर्मेंस का स्टाइल होता है, वो सब ला के वो कैरेक्टर बनती है। So I always sit with director to understand. I get involved in every process, but I learn a lot from every director. Mm-hmm. And whatever I know, we discuss. So Amana team, it is very healthy. So we all sit together.
इवन प्रोड्यूसर उनका भी इनपुट रहता है, बट इट इज डायरेक्टर प्रशांत नील्स कॉन्सेप्ट, उनका ये रहता है, जो भी छोटा मोटे इसमें हम भी इन्वॉल्व होते हैं. सही में डेफिनेटली. और अगर हम ये कहें कि थोड़ा सा मतलब ये भी एकदम हार्डकोर मास फिल्म है, एक मतलब मास एंटरटेनर है, जो कि आपके स्टेट से आ रही है, कन्नड़ा से आ रही है, इंडस्ट्री से आ रही है, ठीक है. तो एक माइन्यूट डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं कि जो मास फिल्म आप ला रहे हैं KGF, वो तेलुगु वाले मास फिल्म से कैसे अलग है या अलग रखने की कोशिश की गई है, और तमिल की मास फिल्म से कैसे अलग रखने की कोशिश की गई है? हर एक भाषा की, हर एक कल्चर की उसकी एक स्पेशलिटी होती है. सो वो दिखता है आपको अगर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है. अगर आप जस्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, अभी आपको साउथ और नॉर्थ में कल्चर डिफरेंस दिखता है ना, वैसा हमको हर एक स्टेट में दिखता है. सो इंडिया इज सच कंट्री, हमारे देश में आप 100 किलोमीटर आगे जाएंगे, हर एक स्टेट में कल्चर डिफरेंट हो जाता है, भाषा बोलने की तरीका अलग हो जाती है. सो दिस इज द स्ट्रेंथ, हमारा वो शक्ति है, और उसको देख के हम बहुत सीख सकते हैं. सो कन्नड़ा एज अ कल्चर, कन्नड़ा एज अ लैंग्वेज, इट इज सो इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट हैज़ गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ. वो रिफ्लेक्शन आ जाता है सिनेमा में. एंड बट इन टर्म्स ऑफ सिनेमैटिक दिस थिंग ऑल्सो, और एक वो भाषा रहती है, जैसे मलयालम फिल्म का एक और भाषा होती है, मतलब सिनेमैटिक लैंग्वेज. तेलुगु का हर एक उनकी एक भाषा सिनेमैटिक लैंग्वेज है. सो इट इज़ डिफरेंट, बट समवेयर वी ऑल फॉलो सिमिलर दिस थिंग. वो थोड़ा मास फिल्मी हीरोइज्म, बट येट वी ट्राई टू पुट इन मैसेज, मैसेज भी देंगे उधर, और एक हार्ड हिटिंग रियलिटी का ये भी होगा, बट लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन होगा. एंड अगेन इट कम्स टू डायरेक्टर, उनका एक तरीका होता है. आई ऑलवेज बिलीव सिनेमा इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हार्ट, और वो जो सोचते हैं ना वो स्क्रीन पे आता है. सो इट्स ऑल मिक्स ऑफ दैट, वो सबका मिक्सचर है सिनेमा. एक्टर जो आते हैं उससे कलर चेंज हो जाते हैं. सो लाइक संजय दत्त सर, रवीना मैम आए, और प्रकाश राज जी है, और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे उसमें, राव रमेश सर और एक वो एक्टर है, और बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं, न्यू कमर्स है, सबका ये मिला के एक रूप निकलता है सिनेमा. सही, इट इज यूनिक इन इट्स ओन वे. ओके, नहीं जैसे मान लें कि इसमें मतलब KGF का मैं भी फैन, और इसमें मैंने देखा है कि ये एक भी सेकंड ये आपको मतलब सीट से उठने का मौका नहीं देती है, इतना टाइट स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट है. ठीक है, तो वो शायद आप लोग ज्यादा जोर उस पे मतलब रखा है आपने कि एकदम टाइट स्क्रीन प्ले. दैट इज अगेन अ डायरेक्टर्स विजन. ओके, उनका स्टाइल है ना, उनका एडिट स्टाइल है, और द प्रेजेंटेशंस है, मल्टीपल लेयर्स रहता है प्रशांत के सिनेमा में. सो इट इज ऑलवेज लाइक एक ट्रैक सीधा नहीं चलती है, दो तीन उस टाइम पे मोमेंट में जो चल रहा है सब एक ही साथ मिला के उससे एक सीन बना देते हैं. सो उनकी खूबी है वो, दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, और उनका बिलीफ सिस्टम से आता है, दैट इज हिज स्टाइल आई कैन से. एंड आपका तरीका क्या है योर वे टू गेट इन टू द स्किन ऑफ कैरेक्टर, आप कैसे उसमें जाते हैं, ढलते हैं? जैसे अल्पचिनो साहब का था कि वो क्या करते थे कि मतलब कोई सीन वो मतलब 10-20 बार देते थे, और फिर मतलब मॉनिटर के पास जाते थे और कहते थे कि यार जो 14th नंबर टेक था मेरा वो लेना, उसमें मेरा नेचुरल आया है. आपका तरीका क्या रहता है? मेरा तरीका सिंपल है, मैं पहले से जुड़ जाता हूँ प्रोजेक्ट से, डायरेक्टर से. सो उनका जितना टेंशन रहता है वो मेरा भी उतना ही टेंशन रहता है कि सीन कैसे आए. एंड उसका एक मिशन रहता है, हर एक शूटिंग में, हर एक दिन में, हर एक सेटअप पे आप कुछ कैप्चर करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं. पहला वो समझने की कोशिश करता वेयर एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम टुगेदर टू अचीव समथिंग. इस सीन में हमें ये इमोशन चाहिए, ऐसा प्रेजेंटेशन चाहिए. सो सब पता चलेगा ना, तभी मुझे वो परफॉर्मेंस आएगा. सो इट इज़ लाइक एन एक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेक उन सबका बोझ आप उठा के कैरी करना है, लेकिन सब काम हर एक डिपार्टमेंट का होती है. राइट, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड एवरी डिपार्टमेंट. इफ माय कैमरामैन इज हैज़ लिट इट इन अ सर्टेन वे, आई नो व्हाई ही इज डूइंग इट. वो फोकस क्यों ले रहा है, वो मूवमेंट क्यों रखे है. मेरा एक्टिंग प्रोसीजर वैसा है, आई शुड नो एवरीथिंग सो दैट कम्स नेचुरली. अभी क्या हो रहा है,
ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक यू विल गेट टू नो व्हेन यू परफॉर्म, आपको एक खुशी मिलती है वो थोड़ा, जितना भी आप कंट्रोल करें, जितना भी आप सोचे कि मेरा यही परफॉर्मेंस आएगा, बिकॉज वी डू दैट थिंग, ऐसा आना है, ऐसा टाइमिंग आना है, ऐसा एक्सप्रेशन आना है, बट सम मैजिक हैपन्स. वो को एक्टर से भी आ सकते हैं और वो सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा हवा देंगे, वो उससे भी फील हो सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट मोमेंट. उस मोमेंट में अगर आप जीते हैं, और थोड़ा दो अलग दो चीज से देखना पड़ता है. वन, बी देयर एंड एक्सपीरियंस इट. सेकंड, बाहर खड़ा होके भी देखना है आपको क्या कैसा चल रहा है, शॉट कैसा ले रहे हैं. वो थोड़ा एक्सप्लेन कर नहीं सकता लेकिन आ जाता है, उसी लिए पैसे देते हैं. और उसके डायरेक्टर का हेल्प बहुत होता है. व्हेन दे कम एंड टेल यू, समटाइम्स वी कैन, वो डायरेक्शन ही अलग हो जाता है हमारा एक्टिंग का. वो आके बताते हैं क्योंकि उनका विजन रहता है ना. सो दिस इज व्हाट आई वांट, थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे और थोड़ा एनर्जी, वैसा रहता है. सो आई थिंक एवरीबॉडी विल गिव इनपुट. सो इट्स अ टीम वर्क. एक्टर सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो है, मतलब सिंगल हैंडेडली तो नहीं. या सो व्हाट आई गेट आई अब्सॉर्ब एंड आई डिलीवर, वैसा है मेरा प्रोसेस. एंड उनको कभी कभी मुझे ही पसंद नहीं होता है, ऐसे और एक करता और एक करता मैं करता हूँ. एंड अगेन इट इज़ डायरेक्टर्स दिस थिंग, वो फ्रीडम देते हैं. कभी कभी वो बोलते हैं कि पहला टेक ही ठीक है, फिर भी वी विल डू. समटाइम्स वी विल बी हैप्पी बट दे वॉन्ट समथिंग एल्स, दे विल गेट इट आउट. सो होता है ये प्रोसेस. और ये तो खैर मतलब हुआ नहीं होगा, या ये मतलब मानना नहीं जा सकता है कि KGF के बाद कम से कम, या KGF से पहले इधर से हिंदी से इस इंडस्ट्री से जरूर ऑफर्स आपको गए. सो आफ्टर KGF क्या हम कह सकते हैं कि 50 ऑफर गए थे यश के पास कि आप आइए और हिंदी शुरू करिए? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ. अच्छा. आए थे बहुत सारे. हाँ. अच्छे प्रोड्यूसर्स आए थे, ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स आ रहे थे. एंड ओपन माइंडेड में क्या करना चाहते हैं आप, क्या करते हैं बताए, वी कैन कोलाबरेट, वैसा आया है. बट आई विल नॉट से इतने सब लोग आ गए मेरे पीछे, वैसा कोई बात नहीं है. या सम पीपल केम, नॉट फ्रॉम ओनली हिंदी, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर एक इंडस्ट्री से कुछ लोग तो आके मीट किए है. सो हम लोग कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अगला फिल्म, नहीं अगली हिंदी डेब्यू? ये तो है ही, हिंदी है ही ये भी, ठीक है, बट एकदम खालिस हिंदी फिल्म. नो आई थिंक व्हेन, आपका क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप हिंदी, आपका बॉलीवुड, बॉलीवुड की अगर वो मैं मानता नहीं कोई बॉलीवुड या टॉलीवुड या वो सब नहीं, बिल्कुल यहाँ का डायरेक्टर आके हाँ अगर वहाँ का स्टोरी करेंगे तो क्या होगा वो पता नहीं मुझे. वो हिंदी सिनेमा रहेगा या कन्नड़ा सिनेमा रहेगा? सो इट्स एन इंडियन सिनेमा. लवली. यहाँ के डायरेक्टर एक हमारे उधर का इंसिडेंट या वहाँ का इमोशंस दिखाने चाहते तो वो अलग है. अभी हम करना नहीं, वो अगर मतलब चाह रहे हैं बॉलीवुड से कोई डायरेक्टर चाह रहा है, हिंदी इंडस्ट्री से, हिंदी से, हिंदी इंडस्ट्री से अगर आएंगे तो क्यों नहीं करेंगे, वैसा नहीं है. बट हर लैंग्वेज में सेम पैटर्न फॉलो होना है. मेरा वो मानना है कि हर आदमी को जो जिस भाषा वो समझते हैं उसमें कैटर कर सकते हैं, तो क्यों पीछे जाए बोले कि सिर्फ मैं हिंदी करूंगा, ये कन्नड़ा करूंगा या तेलुगु करूंगा. हम एक सिनेमा बनाएंगे जो जो भाषा में वो कर सकते हैं, अगर हमको विश्वास है कि ये सबको पसंद आएगा, then we can do it. So I don't look at it like that. Definitely. और जैसे मतलब ट्रिपल आर के इंटरव्यूज भी हम लोग कर रहे थे और राजा मौली सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उस फिल्म की लागत तकरीबन 450 करोड़ थी, 450 crore थी, मतलब हैवी बजट फिल्म थी. और आपने भी जो बात रखी कि भाई कन्नड़ा का जो इवोल्यूशन अब हो रहा है पैन इंडिया के तौर पे, तो एक हैवी बजट फिल्म है, तो क्या हम KGF चैप्टर 2 भी कह सकते हैं कि ये भी 300-400 crore माउंट वाली फिल्म है? नो, माय प्रोड्यूसर विजय किरगंद रोम्बाले फिल्म्स, दे हैव नेवर स्पोकन अबाउट फिगर्स. बट या टू बिगिन विद, व्हेन वी अनाउंस्ड सेइंग 50-50 crore में करेंगे पहले चैप्टर को, एवरीबॉडी सेड इट्स टू मच. तो ऐसे बात कर रहे, इतना मार्केट ही कम है. व्हेन वी अनाउंस्ड माय मूवी हैड कलेक्टेड 50 crore or something, which was the biggest blockbuster. जितना कलेक्ट करता है और ब्लॉकबस्टर मूवी है उसका पैसा हम डाल के और क्या लेंगे, दैट वाज द थॉट प्रोसेस. उसके बाद हमने कभी फिगर्स के बारे में बात नहीं किया, बट मीडिया में आता रहता है. सो यस, वी हैव स्पेंट. वो फिल्म को क्या चाहिए उसको सब प्रोवाइड किए प्रोड्यूसर, और ज्यादा है. यस, इट इज अ बिग बजट फिल्म, आई एग्री, बट इट इज नॉट जस्ट नंबर बोल के मैं आपसे वो चीज़ नहीं बात कर सकता.
It's a big budget film. From chapter one, it started at that and it went somewhere because we had a bigger vision. यहाँ का प्रमोशन का बजट होता है और बहुत सारे चीज का होता है तो इट्स अ बिग बजट फिल्म फॉर श्योर दैट्स व्हाई यू कुड अचीव दोस काइंड ऑफ विजुअल बट आई थिंक इट्स अबाउट द विजन व्हाट माय डायरेक्टर हैड और द व्हाट काइंड ऑफ विजुअल माय डीओपी हैज क्रिएटेड वी शुड गेज ऑन दैट थिंग द काइंड ऑफ क्वालिटी यू सी ऑन स्क्रीन इज समथिंग वेयर आई विल बी प्राउड ऑफ दैन टॉकिंग अबाउट कितना पैसा डाले कितना पैसा आया बाद में देख के यू कैन टेल मे बी वी इन्वेस्टेड बट दिस इज नॉट द टाइम इज व्हाट आई फील और केजीएफ में जो बैकग्राउंड स्कोर है मतलब उसकी भी एक अलग अहमियत है डेफिनेटली और उसने एक अलग क्रिएट किया है मतलब वर्ल्ड अच्छा तो मतलब आपके हिसाब से मतलब लोगों का जो इतना मिला है प्यार बेइंतहा मोहब्बत मिली है फिल्म को तो बिसाइड्स एक्टिंग या बिसाइड्स स्टोरी किन किन चीज़ों की मतलब इसमें एफर्ट है या उनका योगदान है हर एक डिपार्टमेंट में जो भी काम किया ना केजीएफ में मैं 100% कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ वो सब फिल्म के लिए काम किए खुद के लिए कोई भी काम नहीं किया ये विजन क्या है उसके लिए सब दे वर अलाइंड मेरा म्यूजिक डायरेक्टर ही हैज टेकन आउट सो मच ऑफ इंटरनेशनल दिस थिंग ही हैज अप्रोच्ड लॉट ऑफ international creators music chota chota effects ke liye because we don't have resources to create those kind of sounds unko bhasha bhi nahi aati hai fir bhi they have approached and that budgets are like hollywood mein jo use karte hai na jo films ke liye वैसे साउंड के लिए साउंड इफेक्ट्स के लिए दे हैव गिवन टू मच टाइम दे हैव अप्रोच्ड एंड दे हैव गॉट दैट थिंग एंड द काइंड ऑफ वर्क हैज क्रिएटेड अ स्टूडियो उनके गांव में एक स्टूडियो बनाया उन्होंने साउंड के लिए ऐसा काम करना है बोल के एंड ऑल्सो इट्स विजन देखिए वो छोटे गांव में जाके स्टूडियो बनाया उन्होंने उन्होंने उनका विश्वास ये है कि वाई शुड ऑल द सिटीज हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से काम कर कहाँ से काम करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है वो स्टूडियो फैसिलिटी कहीं भी वो करते सो उनका अपना गाँव में जाके उन्होंने एक स्टूडियो बनाया हम लोग वहाँ जाके KGF 2 का काम भी किए कौन सा गाँव है वो बसरूर नाम है हाँ वो तो उनका नाम तो पता उनका नाम वही बसरूर में उन्होंने सेटअप किया सेटअप करके सो वी ऑल वेंट देयर डायरेक्टर वेंट देयर स्टेड देयर आई वेंट देयर सो दैट शोज दैट ऑल ऑफ देम आर पैशनेट वो ऐसा म्यूजिक बनाते हैं एंड म्यूजिक KGF का म्यूजिक इतना पॉपुलर है बैकग्राउंड स्कोर दे हैव अपना परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट्स देते बहुत बार वो म्यूजिक से हमारा परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल सो एवरीबॉडी कैमरामैन आर्ट डायरेक्टर शिवू और म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर एडिटर उज्जवल अभी एक नया लड़का है वो उज्जवल एडिटर सो चैप्टर वन में थिएटर के पास फैन सेलिब्रेशन में वो खड़ा था उसका फोटो देख के मैं भी चौंक गया अभी वो हमारा फिल्म का एडिटर है उसका सिर्फ यूट्यूब में KGF का फैन वीडियोस बनाता था वो लड़का उसको देख के हमारा टीम ने लिखिता ने उनको फाइंड करके they got him and they trained him and he turned out to be a great editor so prashant ne unse kaam karwaya hai kitne saal ka hoga young hai bilkul young bacha ladka hai wo yeah no spin is it is 19 or 20 21 could be I think he is around that age yeah. lekin uska talent hai sabse bada hota hai na jo kaam karta hai har ek department mein excellent kaam diye stunt action fight masters choreographers और छोटे छोटे काम करते हैं ना सेट बॉयज उनका काम अलग है एंड लाइट स्पॉट बॉयज क्योंकि गर्मी इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन था सो एवरीबॉडी सर सही सही और मतलब यश किस कदर रॉकी भाई में तब्दील होते गए और ये तब्दील का मतलब मतलब चेंज होते गए कन्वर्ट होते गए ओके रॉकी में हाँ श्योर 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 ठीक है मतलब स्ट्रेटेजिकली बता सके कि मतलब कैसे आप रॉकी में आते गए That's the script. अभी script जो demand करता है और my take on that script और my take on that performance उससे अलग पड़ता है and belief system I kind of have a similar belief system if you want to go getter a character जो चाहिए वो हासिल करके ही रहेगा उसके लिए मेहनत क्या करना है decisions क्या लेना है कैसा team रहना है it's the same अभी इस film आप देखेंगे ना so KGF is not just an action film ऐसा नहीं है उसमें एक बहुत बड़ा drama है उसमें thought process है thinking attitude you can put that formula into any profession
obviously. You can relate to it. That's why he has a mine, there is an issue because of the illegal mining, money and all of that. वो जो dialogue है अपने आप में एक thought है कि अगर जो लोग शहर में रहना चाहते हैं तो वो शहर के उसूल सीखते हैं लेकिन जो राज करना चाहते हैं शहर को उसके बारे में सिखाता है. It's a big thought. Yes, ऐसे thought process बहुत सारे हैं इस film में. Chapter 2 is loaded with such thought process. Musical कितना है? बहुत बहुत अच्छा है म्यूजिक अभी तक शायद मतलब जैसे मोनी थी उसमें मतलब इस बार टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल नंबर ऐसा सो वैसा नहीं है इस बार मतलब थोड़ा पूरा फिल्म में वैसा स्पेशल आइटम्स बहुत रहेंगे तो सीन्स में रहेगा द होल फिल्म इज लाइक दैट डेफिनेटली. रैपिड फायर क्वेश्चंस है हमारा सेक्शन. लास्ट क्वेश्चन लास्ट लास्ट श्योर जो है या श्योर श्योर दो तीन बस मतलब अगर ओके ओके छोड़ दो मिनट बस दो मिनट तीन घंटा वेट किया हम लोगों ने भी ठीक है ओके. एक ये है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती रहती है. आई डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स अच्छा लगता है मुझे क्योंकि कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ टेक अवे होता है. वैसा फेवरेट फेवरेट कुछ नहीं है. आज एक होता है कल दूसरा होती है. सो आप जैसे बढ़ते हैं और दिमाग जिस तरीके से यू ग्रो तो अलग चीज़ जो चीज़ मुझे 5 साल पहले पसंद होता था वो अभी नहीं होता है. सो इट्स लाइक दैट. ड्रीम डिनर पार्टी के मेहमान कौन हो सकते हैं यश के? ड्रीम डिनर पार्टी यस ड्रीम डिनर पार्टी अगर मतलब कोई ऐसी डिनर पार्टी आप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ऐसे चीफ गेस्ट या कोई भी हो सकते हैं आपके. माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स जब वो रहते हैं मेरे पास तो बहुत खुशी मिलती है मुझे. और अपनी फिल्मों से कौन से सीन को रिलीव करना चाहेंगे जिनका गहरा इम्पैक्ट आप पर रहा है कोई भी फिल्म से अगर बिसाइड्स वी ऑल डू फिल्मी स्टफ. सो मेरे आई विल बी इन ट्रबल इफ माय सिनेमास थिंग और वैसे करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं आप खुद मतलब रिलीव नहीं बिल्कुल हाँ आप मतलब खुद भी नहीं, नहीं मैं वैसे ही जीता हूँ ना जब कैमरा के सामने रहता हूँ तो आई लिव दैट होल दिस थिंग. सो फिर से फिर बाहर आके क्यों करना. डेफिनेटली कौन सा सीक्रेट मतलब यूनिवर्स का जो आप जानना चाहेंगे कभी. हाँ यूनिवर्स का सीक्रेट आई डोंट नो. हमेशा मुझे ये लगता है ना सो आदमी का दिमाग क्यों उतना ये हो सकता है कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को ख़त्म करना चाहता है और मतलब आई डोंट नो विल लीव इट. मेरा आंसर अच्छा नहीं है. नहीं नहीं टू डीप क्वेश्चन है आपने जो पूछा यूनिवर्स से सीक्रेट और मे बी ओके लेट्स डू इट अगेन. आई थिंक मुझे जो आप विश्वास करते हैं ना वो चीज़ आपको मिल जाती है. जो चीज़ आप देखते वही आपको दिखता है. मतलब आपको एक कार खरीदना हो गाड़ी खरीदनी है देखिए रोड पे वही गाड़ी दिखेगी आपको. तो जो दिमाग में चलते हैं ना वही चीज़ होती है. सो वो कैसे है यूनिवर्स का वो सीक्रेट में जानना चाहता है. और अगर मतलब कोई ऐसा प्लान भी था अगर इन केस खुदा ना खास्ता जो आपने बड़ी शिद्दत से मतलब इस एक्टिंग के प्रोफेशन में आए और काफ़ी स्ट्रगल भी आप कर रहा जो मतलब लोग जानते हैं ठीक है आप भी मतलब स्टार हैं आपके भी मतलब कनेक्शन में बस और ट्रांसपोर्ट है. रजनी सर के भी मतलब बस और ट्रांसपोर्ट है. My dad works in the same, worked in same departmentally. Anyway, तो मतलब कोई ऐसा प्लान बी भी था डन डन प्लान बी कि अगर मतलब एक्टर नहीं नेवर नेवर सोचा ही नहीं. I always wanted to become an actor. और जो वो इंतजार था आपका बस स्टैंड पे कि उधर टिके रहें या छोड़ें तो फिर कैसे मतलब पूरी रात आप शायद सोचते रहे वापस. इफ आई हैड गॉन होम वो नहीं छोड़ते मुझे. दे वुडंट हैव लेट मी कम अगेन. सो आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि छोड़ दूँ ये सब और नहीं तो करूँ. दैट्स द थिंग. और जिन रिलेटिव्स ने बेंगलोर में आपकी मदद नहीं की थी हाँ डन डन ही वांट्स टू नो मोर एंड मोर तो उनको लेकर मतलब अब कैसा रहता है. कुछ नहीं सी कभी वो लोग आए मतलब फिर जब स्टार बने आते वो जाते सी आई टोल्ड इन एन इंटरव्यू मेरे रियल रिलेटिव्स मेरे फैंस हैं क्योंकि वो आपको कभी जज नहीं करते और दुनिया आपके सामने खड़ा हो जाए वो आपको जीतना चाहती है और दे ऑल सपोर्ट यू दे ऑल रेस्पेक्ट यू इवन इन योर डिफिकल्ट टाइम्स. सो दे आर द ओनली रिलेटिव्स आई हैव. माय फैंस आर माय रिलेटिव्स. सुपर थैंक यू सो मच आपका.